हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना लहसुन प्याज के बनाई जाने वाली ये बहुत ही टेस्टी ग्रेवी, और इस ग्रेवी से हम जूसी और ड्राई दोनों तरह की सब्जी बनाकर झटपट से तैयार कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं हम काफ़ी टाइम के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास ये 1/2 kg टमाटर हैं, और इन टमाटरों के साथ हम मिक्स करने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। ये हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, और हम इन ड्राई फ्रूट्स के साथ ले रहे हैं कुछ खड़े मसाले। और जो हमारे पास 1/2 kg टमाटर है उनको हमने 4 पीसेस में कट कर लिया है। तो चलिए मसालों का मिश्रण बनाने जा रहे हैं। तो हमने मीडियम फ्लेम पर रखी है कढ़ाई, उसमें डाला है 1 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। उसमें हमने डाल दी है 1 बड़ी इलायची मसाले वाली, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 7-8 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता और 1 छोटी चम्मच जीरा। खड़े मसालों को डालने के बाद अब हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। तो हमने इस तरह से मूंगफली को डाला है इन मसालों में। उसके बाद हम डाल रहे हैं काजू। काजू के बाद हम डालेंगे खरबूजे के बीज, और खरबूजे के बीज डालने के बाद हम डालेंगे सफ़ेद तिल। इस तरह से हमें खड़े मसालों को और ड्राई फ्रूट्स को यानी कि जो सूखे मेवे हैं उन दोनों को हमें अच्छे से लो फ्लेम पर भूनना है, तभी हमें कटे हुए टमाटरों को इन मसालों में डालना है। इस तरह से हमने टमाटरों को इन मसालों में डाल दिया है क्योंकि हमारे खड़े मसाले और सूखे मेवे अच्छे से भुन चुके थे। अब हमें इनमें स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद हमें चलाना है, और चलाने के बाद हमें अब इनको पकाना है। तो हम डाल रहे हैं इनमें 1 कप पानी, जिससे कि हमारे ये मसाले ड्राई फ्रूट्स और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं और ये अच्छे से बारीक होकर पिस जाएं। रख दिया है 2 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर। आप देख रहे हैं 2 मिनट के बाद हमने प्लेट को कढ़ाई से हटा लिया है, तो हमारे जो टमाटर ड्राई फ्रूट्स और मसाले हैं वो थोड़े से सॉफ्ट नरम हो गए हैं, और अच्छे से टमाटरों का छिलका बीज भी अलग हो गया है। तो इस तरह से हमें उनको फ्लेम को बंद करके उनको ठंडा कर लेना है और डाल देना है एक मिक्सी के बड़े जार में पीसने के लिए। तो इस तरह से हम इन सभी मसालों को पीस रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मसाले सभी हमारे पिसकर तैयार हो गए हैं इस तरह से। तो अब हमें इस मिश्रण को छानना है एक बर्तन में। तो बर्तन के ऊपर लगाई हमने एक चलनी, चलनी में हम डाल रहे हैं इस मिश्रण को, और चम्मच से हम इस तरह से धीरे धीरे इस मिश्रण को चला लेंगे। और ये मिश्रण छानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि टमाटर के मसालों के सबके जो भी छिलके वगैरह हैं वो छनकर ऊपर आ जाए। तो हमारी जो है मसाला ग्रेवी इस तरह से बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसको प्योर ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। तो लो फ्लेम पर हमने पहले कढ़ाई को गर्म किया है। कढ़ाई गर्म करने के बाद 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। उसके बाद एक मीडियम साइज की चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला। इस तरह से सब चीज़ों को डालने के बाद हमने ये जो पीसी हुई ग्रेवी थी यानी कि पीसी हुई जो सभी मसालों का मिश्रण था वो इस तरह से हम इसमें मिला दिया है और हमें चला लिया है। हमें तब तक चलाना है इस मिश्रण को जब तक कि ये थोड़ा सा पकने ना लगे, हमें लगातार चलाते रहना है। और अब फिर हमें इसको 2 मिनट के लिए ढककर रख देना है लो फ्लेम पर। और आप देख रहे हैं हमें इस ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक कि तेल इस ग्रेवी के ऊपर दिखाई ना देने लगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, और अब हम इस ग्रेवी से आप सभी को एक सब्जी बनाकर दिखा रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर रखी हमने कढ़ाई, उसमें डाल दिया 1 छोटी चम्मच तेल, तेल को गरम कर लिया है। अब डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, और जीरा और हींग को हमें अच्छे से भूनना है। और अब हमें 2 से 4 चम्मच मीडियम साइज की चम्मच से हमें ग्रेवी को डाल देना है और इस तरह से भून लेना है। भूनने के बाद ओनली 2 सेकंड के बाद हमें इस सब्जी को इसमें मिला लेना है, इस तड़के में डाल देना है ग्रेवी के साथ, और हमें अच्छे से इस सब्जी को मिलाना है। अच्छे से भूनने के बाद फिर हमें इसमें 1 कप पानी डाल के अच्छे से पकाना है।
लो फ्लेम पर और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, कहते हैं कि एक ग्रेवी और अनेक सब्जी। तो आप इस ग्रेवी से बहुत सारी सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई या फिर जूसी, जैसे भी आपको पसंद हो। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजीली घर पर हम बना कर रख सकते हैं और काफ़ी टाइम के लिए हम इसको बोतल में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी इस तरह से बनकर तैयार हुई है और बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप इस ग्रेवी को ठंडा करके एक बोतल में भर लीजिए और हमें इस बोतल, प्लास्टिक की बोतल में नहीं, कंच की बोतल में ही हमें इसको स्टोर करना है। और आपका जब मन करे आप झटपट से सब्जी बनाइए और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो एक बार कॉमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, तब तक के लिए बाय बाय।